मिर्जापुर में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पिछले 3 दिनों से भूख से बेहाल एक 7 साल का बच्चा मिर्जापुर के एक पुलिस चौकी में पहुंचकर रोने लगा। वहां मौजूद पुलिस वालों ने जब बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि वो पिछले 3 दिनों से भूखा है और उसे खाना नहीं मिला है, उसने खाना नहीं खाया है। बच्चे का ये मार्मिक वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें, यूपी के मिर्ज़ापुर में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीमार माँ का इलाज का बोझ कंधे पर लिए 3 दिन से भूखा 7 साल का बच्चा जब भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया तो पुलिस चौकी जा पहुंचा। गेट पर पहुंचा बच्चा दरोगा के सामने दहाड़े मारकर रोने लगा। चुनार तहसील के पटिहटार के रहने वाले 7 साल के सुदामा 29 नवंबर 2023 को पास के इमिया चट्टी पुलिस चौकी पर पहुंच गया और वहां मौजूद दरोगा के सामने पहुंचते ही जोर जोर से रोने लगा। तब वहां चौकी में मौजूद दरोगा दिलीप गुप्ता ने बच्चे को बुलाया और उससे रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि वो पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, हमारी माँ ने भी पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो भूख से परेशान होकर मदद के लिए यहाँ आया है। तब दरोगा उस बच्चे को अपने साथ लेकर उसके घर पहुँचे और साथ ही साथ उसको खाने को दिया और उसकी माता जी की भी मदद की। 7 साल के इस बच्चे सुदामा के पिता स्वर्गीय नारायण गौड़ का निधन 3 साल पहले हो चुका है और उसकी माँ किरण देवी मानसिक रूप से बीमार रहती है। माँ और बेटे दोनों के पास घर भी नहीं है तो वो गांव में ही काली जी के एक मंदिर में एक कमरे में रहते हैं। सुदामा आसपास के लोगों से मदद मांगकर अपनी माँ का इलाज करता है और दोनों वक्त के भोजन का इंतजाम भी करता है, मगर पिछले 3 दिनों से उसे भोजन का एक निवाला तक नहीं मिला। भूख से परेशान बच्चे को जब कुछ नहीं सूझा तो वह अपने और अपनी माँ के खाने के लिए मदद मांगने सीधे पुलिस चौकी पहुँच गया। चौकी प्रभारी दिलीप गुप्ता का कहना है कि बच्चे को जो मदद चाहिए थी वो दी गई और उन्होंने बताया कि वो 3 दिनों से भूखा था और लिहाजा उन्होंने वहाँ के गांव के प्रधान को भी उस बच्चे के मदद के लिए कहा है। कल सुबह हम चौकी में बैठे हुए थे तो एक छोटा सा बच्चा आया, खाना मांगा, हमने उसको पैर से बैठाया, खाना बाहर से कुछ सामान मंगवा के बच्चे को खाने को दिया। तो बच्चा जैसे ही सामान दिया तो रोने लगा, उसको बैठा के पुचका रहा। उसकी माँ भी तब तक आ गई, उसने समोसा अपनी माँ को दिया और बताया कि मेरे पिताजी एक्सपायर 3 साल पहले हो गए हैं। बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल रही होगी और उसकी माँ विक्षिप्त सी थी। उसने बताया कि मेरी माँ थोड़ा सा विक्षिप्त है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है और 3 दिन से खाना नहीं था, 3 दिन से भूखा हूँ। मैं तत्काल उस बच्चे को लेके उसके आवास पे गया तो देखा कि उसने बताया कि मैं मंदिर पे रहता हूँ, मेरा आवास जो था गिर गया है, कोई मेरा आवास नहीं है। प्रधान जी को बुला के बात की गई तो उसने बताया कि 3 तारीख से पोर्टल चालू रहा, इनका आवास पहली प्राथमिकता है। बच्चे को छोड़ के हम आए और सारा सामान लेके खाने पीने का तत्कालिक सहायता के तौर पे लेके उस बच्चे को दिया गया, कपड़े भी कुछ दिए गए और बच्चे को आश्वस्त किया गया कि अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जाके हमने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे के नाम अंत्योदय कार्ड बन जाएगा, उसके कुछ पेपर्स हैं। प्रधान जी को कहा गया कि वो पेपर्स तैयार करके सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को दें तो अंत्योदय कार्ड बन जाएगा, बाकी सारे। उधर सुदामा ने बताया कि वो पिछले 3 दिनों से खाना नहीं मिला था, माँ भी 3 दिनों से खाना नहीं खाई थी और इसीलिए खाने के लिए हम पैसा मांगने दरोगा के पास चले गए थे। माँ कल कहाँ गए थे? इमिलिया चट्टी चौकी पर। क्या करने के लिए? पैसा मांगने के लिए। पैसा मांगकर क्या करोगे? खाने के लिए। कितने दिन से खाना आप नहीं खाए थे चौकी पे गए? हम 2 दिन से, मेरी मम्मी 3 दिन से। क्या करते हो, कहाँ रहते हो? काली माँ के मंदिर में। कब से रहते हो? हो गया 4-5 साल। आपके पिताजी गुजर गए। घर? हाँ। घर बना है आपका? नहीं, 3-4 साल से मंदिर में ही रह रहे हैं। हाँ। प्रधान जी के आप लोग गए थे? हाँ। क्या कहे प्रधान जी? कह रहे हैं कि अभी देर है। राशन राशन मिलता है आप लोगों को? नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? हो गया 4-5 साल के, हमारे पापा थे तो छोड़ाते थे, अब नहीं मिल रहा है। नहीं। कैसे आप लोग खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं? यह जा रहे चट्टी पर मांगने।
आंगन में, तो इंचार्ज चौकी इंचार्ज साहब क्या क्या आपको खरीदना है कल? चावल खरीदवाए, नीमक मत तेल ओल, हल्दी उल्दी, नमक मत, टमाटर आलू सब कुछ दिवाए हैं, कम्बल उम्बल। तो क्या कहे साहब? कहे कि तुम भी पढ़ना भी अगर पढ़ लोगे का तुम हमारे जैसा बन जाओगे और ये साहब जैसा भी। हाँ, विजय लक्ष्मी नाम है सर। सर 8-9 साल से भाई मर गए हैं, ये लोग भीख टुकड़ा मांगत रहे, नाम के पता चला तो हम अपन बच्चन सब छोड़ के ये लोग के पढ़ाई लिखाई नाम स्कूल में लेके आगे डलवली, और यहाँ मंदिर में ये लोग रहते ना तो मंदिर में आए के लोग के सेवा सत्कार दर दवा, इसको कीटाणु पड़ गया था पूरा देह में, हमारे भाप भौजी को ये पगली को इसके माँ को कीटाणु पड़ गए थे, आए दवाई करवाए, जुआ निकलवाए, सब कीटाणु निकलवाए, इसका कपड़ा के चारे सब फूक दिए, आए 6 महीना से आए हैं सारे लोग के सेवा में लगे हैं, धनिया मजूरी करते हैं, लोग खिलाते हैं। सर हम कहीं चले जाते हैं जैसे काम करने तो ये लोग भीख टुकड़ा जैसे मांगते थे वैसे मांग के लोग खाते हैं, और इसके बाद सर एक ज़मीन है वहाँ इसका बन जाता है कॉलोनी साहब, तो लोग सुरक्षित हो जाते हैं मंदिर में कितने साल। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्ज़ापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।